अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं जायदा एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल रोज जैस पंती में। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आज के दौर में हमारे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके बिना हम कोई काम करने का सोच भी नहीं सकते। आज पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी है। जिंदगी बिना इंटरनेट शायद हजार गुना हार्डर होती। सोचिए हम डेली कितने चीज यूज करते हैं, शॉपिंग से लेकर खाने पीने की चीजें बनाने तक, वर्क फ्रॉम होम, कॉन्टेक्टिंग पीपल, चेकिंग न्यूज। यू जस्ट आस्क ऑन इंटरनेट एंड योर आंसर इज ऑन योर हैंड। सेलिंग, मेकिंग मनी, बैंकिंग बिल्स, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग एक्सेस टू अ ग्लोबल वर्कफोर्स। आपने कभी सोचा है कि आज के जमाने में अगर एक दिन, एक घंटा या सिर्फ एक मिनट के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा? इंटरनेट के सिर्फ एक मिनट भी बंद होने से पूरी दुनिया को करोड़ों रुपए का नुकसान तो होगा, इसके साथ कई तरह के बर्बादी का मंजर भी देखना पड़ सकता है। आप भी इंटरनेट का काफी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये इंटरनेट कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, क्यों बना? आइए आज आपके इन सवालों के जवाब बताते हैं। इंटरनेट की शुरुआत एक लड़ाई की वजह से हुई। 4 अक्टूबर 1957 इस दिन सोवियत संघ ने दुनिया का पहला मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च किया। दुनिया के फर्स्ट सैटेलाइट का नेम स्पुटनिक था। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका को इस खबर से कुछ खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका भी काफी समय से दुनिया का पहला मैन मेड सैटेलाइट बनाने की कोशिश में लगा था। सोवियत संघ ने उससे पहले ये कर दिखाया। इस वजह से दोनों देशों के बीच संबंध खराब होने लगे। एक कोल्ड वार शुरू हो गया। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट ड्विट डी आइजनहोवर थे। उन्होंने 1958 में एक एजेंसी का निर्माण किया जिसका नाम ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था। इस एजेंसी को देश की तकनीकी ताकत में ज्यादा और तेजी से बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1972 में इसका नाम DARPA हो गया, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। 1993 में वापस बदलकर ARPA रखा गया और फिर 1996 में इसका नाम DARPA रखा गया। इस एजेंसी की शुरुआत करने की अमेरिका के राष्ट्रपति का मकसद अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ाना था। इंटरनेट को बनाने की शुरुआत इसी झगड़े के साथ हुई थी। उस वक्त कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था। कंप्यूटर को रखने के लिए एक बड़े कमरे की जरूरत होती थी। उस समय कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। मल्टीपल कंप्यूटर यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर को किसी एक नेटवर्क से ज्वाइन करने का कोई भी जरिया नहीं था। तब ARPA तेजी से अपने विज्ञान पर विकास कर रही थी, लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर्स के एक साथ काम ना कर पाने की समस्या उनके काम में बाधा डाल रही थी। इस वजह से ARPA ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसके जरिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क पर चलाया जा सके। ARPA ने ऐसी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एक टेक्निकल कंपनी की मदद ली। कंपनी का नाम BBN टेक्नोलॉजीज था। इन दोनों का एक ही मकसद था, चार अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चार अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ एक सिंगल नेटवर्क में कनेक्ट करना। इस नेटवर्क का नाम ARPANET दिया गया। ARPANET दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेट कनेक्शन बन गया जिसने TCP/IP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट रूल को लागू किया गया। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने IP एड्रेस के बारे में तो सुना होगा, इसका मतलब यही होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस क्या है। इसके बाद लगातार इस नेटवर्क सिस्टम को बेहतर बनाने का काम चलता रहा। 1973 में इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने सोचा कि ARPANET को पैकेट रेडियो से जोड़ दिया जाए। पैकेट रेडियो एक डिजिटल रेडियो कम्युनिकेशन मोड है जिसका यूज्ड डेटा के पैकेट भेजने के लिए किया जाता है। पैकेट रेडियो को अगर आसान भाषा में बताया जाए तो इसका इस्तेमाल दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किसी फोन लाइन या किसी वायर की जरूरत नहीं होती थी। ARPANET और PRNET को जोड़ने का काम 3 साल तक चला और फिर इंजीनियर दो कंप्यूटर को एक नेटवर्क से कनेक्ट कर पाए। फिर 1 साल बाद इन दोनों नेटवर्क को SATNET यानी सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जो कि पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए काफी जरूरी था। इस तरह उस वक्त दुनिया भर के बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ जोड़ा गया था। इस वजह से इसका नाम इंटर नेटवर्किंग रखा गया। इसी इंटर नेटवर्किंग को आज लोग शॉर्ट फॉर्म देकर इंटरनेट कहते हैं।
इस नेटवर्क के सामने आते ही पूरी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क इससे कनेक्ट होने लगे। इसके बाद 1989 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट टिम बैनर्स-ली ने एक नया सिस्टम तैयार किया, जिसके जरिए दुनिया का हर इंसान कहीं से भी किसी भी चीज की जानकारी बस एक URL के जरिए ढूंढ सकता है। इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के नाम से जाना जाता है। आज कंप्यूटर के साथ साथ फोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, टैब, कैमरा जैसे बहुत सी चीजें से भी इंटरनेट को जोड़ दिया गया है। इसी तरह आने वाले कुछ सालों के बाद हमारे आसपास की लगभग हर चीज इंटरनेट से जुड़ जाएगी और हमारी लाइफ काफी आसान बन जाएगी। तो दोस्तों, ये था इतिहास इंटरनेट का। उम्मीद है आपके हर सवाल को जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके साथ और भी ला सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।